हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मानसी रतूरी। सो फ्रेंड्स, योगी गवर्नमेंट इंडिया का लार्जेस्ट आईटी हब बिल्ड करने वाली है कहां पर? उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है इंडिया में 60% जीडीपी कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आता है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यानी कि आईटी सेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम सभी जानते हैं। सो आईटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, TCS हो गई, विप्रो हो गई, टेक महिंद्रा, CTS, इन्फोसिस, ये बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। जैसे कि आप हम देखते हैं, जहाँ जहाँ आईटी सेक्टर्स बढ़ते हैं, वहाँ पर लोगों की इनकम, लोगों का रहने का स्टैंडर्ड सब बढ़ता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है। जैसे बैंगलोर हो गए, हैदराबाद हो गए, नोएडा, गुड़गांव जैसी जगह में आईटी सेक्टर्स ज़्यादा हैं। देखो, योगी गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज किया है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जाएगा। सो यहाँ एक बहुत बड़े एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जो आईटी फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज हैं उनको बुलाया जाएगा ताकि वो अपने ऑफिसेज का सेटअप करें। और अगर ये ठीक ढंग से चलेगा तो एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो सभी देख पाएंगे। ऑलमोस्ट पूरे यूपी में और उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम, उन्होंने ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है, आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस में भी डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 40 एकड़ में ये आईटी हब आएगा और ये लखनऊ से कानपुर रोड के पास जो एक जगह है अमौसी, वहाँ पर बनाया जाएगा। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी ने कमिट किया है कि लखनऊ को एज अ मॉडल सिटी डेवलप किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे कितने पार्ट्स में ये बनाया जाएगा। देखो, आईटी हब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट में होगा आईटी पार्क, जिसमें बिजनेसेस कंपनीज आएंगी, इसके अलावा बिजनेस पार्क, बाकी चीज़ों का वो यहाँ पर बनेगा। तीसरे पार्ट में बनाया जाएगा इंटरनेशनल इनक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर, यानी इसमें जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की प्रोसेसिंग वगैरह करनी है वो यहाँ पर होगा। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आईटी पार्क 11.47 एकर्स में बनाया जाएगा, बिजनेस पार्क 7.4 एकर्स में बनाया जाएगा और इंटरनेशनल इनक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर 6.9 एकड़ में बनाया जाएगा। पूरा जो ये एरिया है ये 40 एकड़ का होगा, बाकी का जो एरिया रहेगा ग्रीन एरिया रहेगा, यानी कि पेड़ पौधे वहाँ पर लगाए जाएंगे, इन्वायरमेंट का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। और 5.8 एकड़ में रोड का नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत बड़ा है, जैसे कोई मिनी सिटी होती है, इसलिए रोड नेटवर्क डेवलप करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, जिससे आप कहीं भी जाना चाहेंगे तो रोड कनेक्टिविटी के थ्रू जा सकते हैं। इसी के साथ इन तीनों के लिए 6-स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी, 6-6 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे बनाई जाएगी, इनमें बेसमेंट और ग्राउंड दोनों इंक्लूडेड है। और इन तीनों बिल्डिंग में पार्किंग फैसिलिटीज़ भी होंगी। योगी गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि कंसल्टेंट का सिलेक्शन जो है उसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ताकि लैंड का अलॉटमेंट हो सके। देखो, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होती है, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ है, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर उनका ध्यान जो रहता है किस चीज़ पर रहता है, रिसर्च में। वो हमेशा क्या सोचते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा करें, रिसर्च ज़्यादा करें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा करें जिससे डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकली देश जो है वो आगे बढ़े। तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है आईटी हब में। यहाँ पे रिसर्च ज़्यादा होगी हर एक चीज़ में। सो यहाँ पे 6 इम्पॉर्टेंट विंग्स भी होंगे इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। 6 इम्पॉर्टेंट विंग्स यहाँ पे ज़रूर होने वाले हैं। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो एक होगा स्किल एंड डेवलपमेंट नॉलेज एकेडमी का, इस पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जो इम्पॉर्टेंट एक और रहने वाला है वो है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हब, यहाँ पे इस तरीके की रिसर्च होने वाली है इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई, एमर्जिंग टेक विंग और यू हब, इनोवेशन हब, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे सारे जो है विंग्स बनाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट विंग्स बनाए जाएंगे जिसपे रिसर्च ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या ध्यान दिया जा रहा है कि रिसर्च और डेवलपमेंट जो है ज़्यादा हो, रिसर्च पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी जिन्होंने अपना सेटअप अलग अलग जगह किया हुआ है, मान लीजिए कोई कंपनी बेंगलुरु में है या गुरुग्राम में है, तो वो अपना सेटअप अब लखनऊ में क्यों करेंगी? ऐसा क्या वो खास वहाँ पर देख लेंगी जिससे वो सेटअप करेंगी, ठीक है? तो वो जो कंपनीज है वो यहाँ पे आएंगी क्यों? इसी को देखते हुए जो मेजर कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, आईटी फाइनेंशियल जो टेक कंपनीज को एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स जोड़ा जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे ज़रूर आना चाहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस आईटी हब के काफ़ी फ़ायदे होने वाले, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो सभी जानते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होगा। जैसे कि कोई दूर से जॉब करने आते हैं, मान लीजिए लखनऊ से जॉब करने गुड़गांव जा रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ पे डिस्टेंस जो है दूर पड़ता है, तो ऐसे क्या ऐसे इसमें क्या फ़ायदे होंगे, यहाँ पे जॉब्स जो है वहाँ पे ज़्यादा होने लगेंगी और आईटी हब में जो है जो नई नई कंपनीज आएगी, फाइनेंशियल टेक कंपनीज आएंगी, तो वहाँ पे जॉब्स के स्कोप से जो लोगों को मिलने लगेंगे। सो अगर सब कुछ ठीक तरीके से रहा तो इसके काफ़ी सारे जो है बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।